नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक और नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जिसका नाम होने वाला है किक ईवी मेश। काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर है दोस्तों, काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर अपन कलर की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको रेड कलर देखने को मिल जाएगा, ब्लैक देखने को मिल जाएगा, वाइट कलर देखने को मिल जाएगा, ग्रे कलर देखने को मिलेगा, येलो कलर देखने को मिलेगा और ब्लू कलर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो कलर पसंद हो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अब अपन अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें कि कौन कौन से स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में अपन बात करेंगे यहाँ पर रेंज की बात करेंगे, मोटर पावर की बात करेंगे, चार्जिंग टाइम की बात करेंगे और यहाँ पर टॉर्क की बात करेंगे, फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक, लगभग सभी बात अपन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन इंजन एंड ट्रांसमिशन की बात करेंगे। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो आपको 176 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा, 5000 का आपको यहाँ पर मोटर पावर देखने को मिल जाएगी। वहीं अपन स्टार्टिंग की बात करें तो पुश स्टार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फीचर की बात करें तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल डिजिटल देखने को मिलेगा, क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर आपको डिजिटल देखने को मिलेगा, ऑडोमीटर डिजिटल देखने को मिल जाएगा। वहीं अपन एडिशनल फीचर की बात करें वेरिएंट के हिसाब से तो आपको यहाँ पर माइक्रो डी स्मार्ट इंटेलिजेंट चार्जर देखने को आपको मिलेगा। सीट कवर आपको जो मिलेगा वो सिंगल सीट देखने को मिल जाएगी। पैसेंजर फुटरेस्ट आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। फीचर एंड सेफ्टी की बात करें तो आपको CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, मोबाइल एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, स्पीडोमीटर आपको डिजिटल देखने को मिलेगा। वहीं अपन बात करें यहाँ पर डिस्प्ले की तो आपको डिस्प्ले भी अच्छा खासा बड़े देखने को मिल जाएगा। बॉडी टाइप आपको इलेक्ट्रिक देखने को मिलेगी। व्हील बेस की बात करें तो 1250 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा। लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 150 kg की लोड कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। हेडलाइट की बात करें तो आपको LED देखने को मिलेगी, टेल लाइट आपको LED मिलेगी, टर्न सिग्नल LED मिलेगा और वहीं पर अपन LED टेल लाइट्स की बात करें तो वो भी आपको LED देखने को मिलेगी और आपको बैक में काफ़ी अच्छी लाइट देखने को मिलती है। लो बैटरी इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। स्पीड की बात करें तो ये हाई स्पीड स्कूटर आपको देखने को मिलेगा। टॉप स्पीड की बात करें तो 75 km/h की टॉप स्पीड मिलेगी, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी है टॉप स्पीड 75 के हिसाब से। तो वहीं पर ड्राइव टाइप की बात करें तो हब मोटर देखने को मिलेगी, लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाएगी। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 3.7 किलोवाट की आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। 5 ईयर की आपको बैटरी वारंटी देखने को मिलेगी, जो काफ़ी अच्छी है। लगभग सारी कंपनियां 3 ईयर की देती है और यहाँ पर किक कंपनी जो आपको दे रही है बैटरी वारंटी वो 5 ईयर की वारंटी दे रही है, तो काफ़ी अच्छी। और वाटर प्रूफ आपको बैटरी देखने को मिलती है IP67 के साथ। और मोटर वारंटी की बात करें तो मोटर भी आपको 5 साल की वारंटी देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर किक आपको प्रोवाइड करा रहा है। दूसरी कंपनियाँ खाली 3 ईयर की मोटर और बैटरी की वारंटी देती है और यहाँ पर आपको 5 ईयर की वारंटी देखने को मिल रही है। तो रेंज की बात करें तो रेंज भी काफ़ी अच्छी है, एक चार्ज में 160 किलोमीटर चल जाती है, जो इनफ है यहाँ पर। वहीं पर अंडरपिनिंग की बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। रियर की बात करें तो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे और ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको लगभग मैंने यहाँ पर सारे फीचर्स बता दिए। कोई फीचर रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।